एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30, और आज का जो मेरा व्लॉग है ना, मैंने दोपहर से स्टार्ट किया है। तो शाल लेके मैं सीधा छत पर गई, वहां से मैंने वीडियो को स्टार्ट कर दिया था। तो कपड़े धुले थे थोड़े से, वो डाले हैं, और जो कल के कपड़े धुले हुए रखे थे वो मॉर्निंग में धूप में डाल दिए थे क्योंकि थोड़े से सीले लग रहे थे, तो उनको मैं उतार करके ले आई हूँ। और आज ना ये वाले बेड पर मैंने बिछा दी है ब्लैंकेट वाली चादर, क्योंकि अभी मौसम काफी ठंडा हो चुका है पहले से। और मैं आप लोगों से ना एक चीज शेयर करना भूल गई थी, मेरे पास मैसेज आया था कल की वीडियो देखने के बाद कि नवनीत, आपके जो कमरे में आपने ये साइड स्टैंड रखा है बहुत सुंदर लग रहा है। तो मैं ये स्टैंड जो है आप लोग को नहीं दिखा पाई। मैंने आप लोग को बोला था ना कि घर के लिए मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, तो ये वाला जो स्टैंड है ना, ये मुझे रिसीव हुआ था 2-3 दिन पहले, लेकिन इसको मैं किसी भी व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई। जिस दिन ये मुझे रिसीव हुआ था ना, उसी दिन मैंने इसको असेंबल कर लिया था, और इसको मैंने यहाँ कॉर्नर पे लगा लिया है। तो बहुत प्यारा लग रहा है ये। आप लोग बताइएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है। और ये मैंने परचेज किया था अमेजोन से, इसकी क्वालिटी ना बहुत ज्यादा अच्छी है। आप लोग को एक मिनट मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ। तो ये जो स्टैंड है ना, इसमें मुझे मिलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें 5 रैक्स मिलते हैं। और जो इसकी क्वालिटी है ना, वो काफी ज्यादा अच्छी है, काफी ड्यूरेबल स्टैंड है। तो ये मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि उस समय पे मैंने कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया था, तो इस वजह से ना मैं आप लोग के साथ शेयर करना भूल गई थी। लेकिन कल जब मेरे पास एक कमेंट आया, तो मैंने सोचा कि मैं अब जो नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी इसमें आप लोग के साथ ये स्टैंड शेयर करूंगी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। तो अगर आप लोग भी इसको परचेज करना चाहते हो ना, तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो कैसा लग रहा है ये मेरे रूम में, आप लोग बताइएगा। सारे काम से मैं फ्री हो चुकी हूँ, अभी सीधा किचन में जाना है मुझे, क्योंकि आज मुझे प्रिपेयर करनी है, मीट करवा चौथ है, तो करवा चौथ पे सर्गी खाई जाती है। तो इस बार तो देखिए कोविड है, तो मार्केट से तो मीठा लाने का मतलब ही नहीं होता है, तो अवॉइड ही कर रहे हैं सब लोग। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फ्री भी जल्दी आज हो गई हूँ, क्योंकि लंच मैंने मॉर्निंग में ही बना लिया था। आशू को आज आलू बैंगन की सब्जी दी थी, तो वही हम लोगों ने लंच में खाई है। सारे काम से मैं फ्री हो चुकी, तो अभी सीधा किचन में जा रही हूँ, मिठाई बनाऊंगी मैं, बेसन की बर्फी, और उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। और साथ में मैं बनाने वाली हूँ मीठे वाली मठरी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए अभी किचन में चलते हैं, बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और सबसे पहले ना मैं बर्फी को तैयार कर लूंगी। तो जब तक मेरी बर्फी जो है वो मैं जमने के लिए छोड़ दूंगी, उसके बाद फिर मैं तैयारी में लगूंगी मीठी मठरी बनाने की। तो यहाँ ना बर्फी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो बेसन, और 1 किलो बेसन में ना मैंने 1 कटोरी भर के डाल दिया है देसी घी। तो अब मैं इसको घी डालने के बाद अच्छे से भून लूंगी, जब तक कि इसका ना कलर चेंज ना हो जाए। तो हमें इसको ना बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे भूनना है, ज्यादा तेज आंच पर नहीं भूनना है। अगर आप तेज आंच पे इसको भूनोगे ना, तो बेसन जल जाएगा और उसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है, तो इसलिए मैं सबसे पहले बर्फी ही बना रही हूँ, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो यहाँ मेरा बेसन जो है ना, वो धीमा धीमा भुन रहा है। साथ में यहाँ मैंने ना थोड़ी सी तैयारी भी करके रख ली है, बादाम जो है इनको मैं ऊपर से गार्निश करूंगी। तो इसको ना मैंने बारीक बारीक कोट लिया है, यानी कि इसको बारीक बारीक सा कर लिया है। साथ में मैंने थोड़े से काजू और किशमिश लिए हैं, और ले लिया है नारियल का बुरादा, जो कि मैं इसमें मिक्स करूंगी और बादाम को ऊपर से गार्निश करूंगी। तो फटाफट से बेसन भून लेते हैं, फिर उसके बाद हमें बर्फी जमाने के लिए तैयार करनी है चाशनी। भगोने में ना मैंने चढ़ा दी है चाशनी बर्फी बनाने के लिए। तो चाशनी हम लोगों को कैसे तैयार करनी है, तो एक तरफ आप बेसन भूनिएगा धीमी धीमी आंच पर, और यहाँ दूसरे भगोने में ना मैंने डाल दी है 1 किलो के करीब चीनी, क्योंकि 1 किलो के करीब हमारा बेसन है, बल्कि 1 किलो से थोड़ा सा ऊपर है। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 किलो ही चीनी, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि चाशनी जल्दी बन जाए। और हमें चाहिए 1 तार की चाशनी, तो चाशनी मेरी बन रही है, और इधर बेसन भी भुन रहा है, तो इसको भी फटाफट से बना लेते हैं।
देख सकते हो अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है, और मेरी जो चाशनी है ना उसमें भी आ चुकी है एक तार। तो एक तार की चाशनी बनके रेडी है। तो अब मैं एक मिनट आपको दिखा भी देती हूँ एक तार की चाशनी कैसी होती है। तो आप लोग देख सकते हो इसमें अच्छा सा एक तार बन रहा है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है बर्फी जमाने के लिए। तो गैस फ्लेम को कर देती हूँ मैं ऑफ। ये जो चाशनी वाली है और जो बेसन वाली है उसको भी मैं बंद नहीं करूंगी। सबसे पहले मैं बेसन में डाल रही हूँ ये किशमिश और काजू जो मैंने बारीक चॉप करके रखे हुए हैं, साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ नारियल का बुरादा, और इनको अच्छे से बेसन में हम मिक्स कर लेंगे। बर्फी जमाने की, क्योंकि चाशनी डालने के बाद ना बेसन में एकदम से हमें बर्फी जमानी पड़ेगी, तो उसकी तैयारी मैं पहले करके रख लूंगी। तो यहाँ ना मैंने परात ले ली है और परात में लगा लेते हैं फटाफट से घी, ताकि जैसे ही मेरा बर्फी का बैटर तैयार हो फटाफट से मैं उसको पलट दूं इस परात में। तो ये स्टील की मैंने परात ले ली है, और एक और मुझे प्लेट भी लेनी पड़ेगी क्योंकि बर्फी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा है। तो मैं इसमें फटाफट से घी लगा लेती हूँ। चाशनी डालने के बाद ना हमें फटाफट से इसको अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि बहुत जल्दी हमारी बर्फी जो है ना वो गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी और जमने के लिए ना तैयार हो जाएगी। तो इसको बहुत अच्छे से मैं घोट रही हूँ, क्योंकि जितना अच्छे से आप बर्फी को घोटोगे ना, ये देखो, तो जितना अच्छे से बर्फी को घोटोगे उतनी अच्छी स्मूथ हमारी बर्फी बनेगी, और साथ ही ना बहुत अच्छी सी नरम बनेगी। तो यहाँ मैं अच्छे से इसको चला रही हूँ, हाथों में दर्द हो रहा है लेकिन क्योंकि बर्फी अच्छी जमानी है हमें, तो इसको खूब अच्छे से आप फेंटना, बहुत अच्छे से मिक्स करना। यहाँ बर्फी मेरी जमने के लिए रेडी है, तो मम्मी भी आ गए थे मेरी हेल्प करने के लिए, तो यहाँ हम दोनों ने मिल करके ना इसको जमने के लिए रख दिया है, और ऊपर से मैं इसको गार्निश कर रही हूँ बादाम के साथ में। और ये जो बर्फी है ना डालते ही एकदम से झटपट से जमनी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी इसको ना शेप देनी पड़ती है। तो यहाँ परात में ना मैं कटोरी की हेल्प से इसको थोड़ा सा फ्लैट कर रही हूँ, और ऊपर से मैंने बादाम से गार्निश कर दिया है। और 5 मिनट लगे थे, बस 5 मिनट बाद ही अच्छे से जम के रेडी हो गई थी। तो आप 5 मिनट बाद इसको जो भी शेप में आप कटिंग देना चाहते हो तो वो आप दे सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने इसको ऊपर से बादाम से गार्निश कर दिया है। थोड़ी देर छोड़ने के बाद मैं इसको कटिंग कर दूंगी और इसको अच्छे से स्टोर करके रख लूंगी। मैदा, तो जितना मैंने मैदा लिया है उतना ही मैं इसमें डाल रही हूँ आटा। तो ये रहा मेरा मैदा, और जितना मैदा है उतना मैंने आटा लिया है। आप चाहे तो अकेला मैदे की भी ये मठरी बना सकते हो, दोनों ही तरीके से बहुत अच्छी लगती है। तो अब मैं इसमें मोवन के लिए डाल रही हूँ थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ डाल दिया मैंने मोवन, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिसी हुई सौंफ।
तो सौंफ को ना मैंने थोड़ी सी चीनी डाल के ना पीस लिया था, क्योंकि उससे इस मछली का फ्लेवर जो है ना वो बहुत अच्छा आता है। और साथ ही इसको गूंदने के लिए यहाँ मैंने रेडी करके रख ली है चाशनी। तो मैंने पानी में चीनी को ना घोल करके अच्छे से रेडी कर लिया है। तो हमें इसको गूंदने के लिए ना इसमें पानी नहीं मिक्स करना है, सिर्फ इसको चीनी वाले पानी से घोलना है। तो अभी मैं मोवन को मिक्स कर देती हूँ और बस सेम उसी तरीके से हमें इसका आटा बना के तैयार करना है जैसे हम लोग मठरी के लिए करते हैं ना, बस वैसे ही इसका आटा बनाना है। लेकिन बस इतना सा फर्क है कि इसका आटा हमें गूंदना है मीठे पानी से, यानी कि चीनी वाले पानी से। जितना आपको मीठा पसंद है ना उतना आप पानी में शुगर ऐड कीजिए और बस उससे आप गूंद लीजिए मठरी का आटा। इसमें एकदम परफेक्ट मोवन जो है वो डल गया है, आप देख सकते हो एकदम लड्डू का शेप बन रहा है। तो इट मींस इसमें अच्छा सा मोवन है। तो चलिए अभी इसको चाशनी डाल के भून देते हैं फटाफट से। और आप देख सकते हो बिल्कुल हार्ड हार्ड आटा किया है जैसे कि मठरी का होता है। तो अब हम लोग ना इसकी मठरी बनाने के लिए इस तरीके की बॉल्स बना रहे हैं। और यहाँ नोनो भी आ गई है मेरी हेल्प करने के लिए और नोनो को बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से ना मेरी हेल्प करवाना। तो फटाफट से हम इनकी पहले तो इस तरीके की बॉल बना लेंगे और फिर इसकी जो मठरी है वो अच्छे से बेल करके फटाफट से तल लेंगे और बस मेरा काम हो जाएगा फिनिश। मम्मा हाँ जी बोलो क्या खा रहे हो? मम्मा के लिए क्या लाई? दिखाओ आकरो पूरा खाना। थैंक यू। तो यहाँ आ गया है एमी और एमी ने ना मिठाई जो है वो टेस्ट कर ली। कैसी लगी एमी? बहुत अच्छी। नोनो आपको कैसी लगी बर्फी? मम्मा तो खाना जी को भोग लगा के बच्चों ने तो खा भी लिया बर्फी, हम लोगों ने भी नहीं खाई है। यहाँ सारी मठरी मैंने अच्छे से बेल के रख ली है और ऑयल चढ़ा दिया है इनको तलने के लिए। तो यहाँ सारी मठरी जो है वो बिल चुकी है। बता देती हूँ कि कितना टाइम हो चुका। तो अभी बजने वाले हैं 5 और मेरा सारा काम जस्ट अभी अभी फिनिश हुआ है। मिठाई तो मेरी बन गई थी और मठरी भी मेरी सारी बन के तैयार हो चुकी है। तो बहुत ही टेस्टी बहुत ही कुरकुरी सी ये मठरी बन के तैयार हुई है। तो आप लोग भी ट्राई करना अगर आप लोगों ने ये रेसिपी ट्राई नहीं की है। इससे पहले ना मैंने आप लोग के साथ एक बार शेयर किया था लेकिन उस समय पे ना रेसिपी शेयर नहीं की थी। तो आज कोशिश की है कि आप लोग के साथ अच्छे से इसकी रेसिपी शेयर करूँ। तो यहाँ सब कुछ बन के रेडी हो चुका और ये मैंने डब्बा निकाल लिया है एक, देखो कितना क्यूट सा डब्बा है। इसमें मैं सारी की सारी मिठाई निकाल दूंगी जो कि मैंने ये बना के रखी है और मठरी मैं दूसरे वाले डब्बे में रख दूंगी। और ये जो मठरी होती है ना मीठे वाली ये हमारे यहाँ पर ना पूजा में भी रखी जाती है। तो ये करवा चौथ पे भी पूजी जाएगी, जो थाली पूजती है ना, और साथ में ये होई की थाली में भी पूजी जाएगी। तो मैं पूजा की जो मठरी होंगी ना वो बिल्कुल अलग रख दूंगी ताकि किसी के जूठे हाथ ना लगे, क्योंकि बच्चे होते हैं ना बच्चे निकाल के खाते रहते हैं तो फिर वो चीज़ ठीक नहीं है। तो इसको मैं रख लेती हूँ और मिठाई बाहर निकाल के रखती हूँ, उसके बाद सीधा रूम में जाते हैं और आप लोग के साथ कुछ शेयर करना है मुझे। तो
यहाँ मैं मिठाइयों को ना अच्छे से स्टोर करके रख रही हूँ, क्योंकि मीठा सामान है और मीठे सामान में देखिए चींटियां लगने का डर रहता है। तो इसी के साथ ना मेहनत तो जरूर मेरी लगी है, लेकिन बहुत ही टेस्टी और घर की एकदम शुद्ध मिठाई बन के रेडी हो गई है, जो कि अच्छे से हमारी करवा चौथ में भी यूज हो जाएगी और आगे आने वाले कुछ त्योहारों में भी यूज हो जाएगी। और साथ में मैंने बहुत सारी मीठी मठरी भी बना ली है, और मुझे ये मीठी मठरी ना बहुत खाने में टेस्टी लगती है और बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद है। अभी टाइम हो चुका है 9 बजे का, 9 बजे से भी थोड़ा सा ऊपर का टाइम हो चुका है और मेरे सारे काम फिनिश हो गए। मतलब अभी फ्री होके आई हूँ सारे कामों से, हमारा डिनर हो गया, किचन के सारे काम हो चुके, क्लीन व्लीन करके सब मैं ऊपर आई हूँ और अभी टाइम हो चुका है इस वीडियो को एंड करने का और बाकी के काम स्टार्ट करने का, क्योंकि अभी मुझे मेहंदी भी लगानी है, वो करने की तैयारी करूंगी, क्योंकि देखिए लगानी तो मुझे आती नहीं है और ऊपर से नोनो मैडम बोल रही है कि मुझे भी मेहंदी लगाओ, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, देखिए स्कूल तो खुल नहीं रहे हैं और नोनो को ना मैं कभी मेहंदी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि इनके स्कूल में ना अलाउड नहीं है मेहंदी लगाना या फिर नेल पेंट या कोई ज्वेलरी वगैरह वेयर करना, लेकिन क्योंकि अभी स्कूल तो हो नहीं रहे हैं तो नोनो कह रही थी मम्मा मेरे को मेहंदी लगा दो, लगानी है तो नोनो की लगाऊंगी। और आप लोग को तो पता ही, मैंने पहले भी बताया कि मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती है, तो कोशिश करूंगी आई विल ट्राई। एक बार तो किया था, बहुत अच्छी मेहंदी बनी थी, तो कोशिश करेंगे, है ना। और वैसे भी कोशिश करने वालों को भी हार नहीं होती है, हो सकता है अच्छी मेहंदी लगा दूं मैं, हो सकता है अपने भी बेहतरीन मेहंदी लगा दूं। सबको गन दिखा दो, अपनी गन दिखाओ और टूट भी गई ना, टूट गई थी। तो गाइज अभी बहुत सारा मुझे काम करना है, मेहंदी लगानी है और सबसे पहले अपनी बिटिया रानी को मेहंदी लगानी है, तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। रुक जाओ, व्लॉग एंड करने से पहले हम ये लाए थे शार्पनर, इसको ये ना ऐसे निकलता है इसका कूड़ा, इसको अंदर डाल दो, फिर ना ये एक तरीका का लॉक है, इसको बंद बताऊं कैसे कर दिया जाता है। आप सब लोग को कंफ्यूज मत करो, नोनो बताएगी क्या है, इधर हो इधर नोनो। इसमें सबसे पहले पेंसिल डालने के लिए आपको इसके बटन को प्रेस करना है, अंदर जो ये बंद करने था वो खुल जाएगा। हाँ, तो बच्चे तो बच्चे आपको दिखा रहे हैं अपने शार्पनर जो कि मैं इनके लिए लेके आई थी, तो बच्चों को भी आप लोग को सब कुछ दिखाना रहता है। तो आज का व्लॉग जो है वो एंड कर दे, क्योंकि रात हो चुकी है और अभी हमें अभी करनी है बहुत सारी तैयारियां। सोच रही हूँ कि छोटा सा अभी आप लोग के साथ व्लॉग भी शेयर करूं, तो यहाँ देखिए एमी जी ने पाय लगा ली मम्मा की। तो चलिए इसी मीठी मीठी सी शरारतों के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। आई होप कि आज का छोटा सा व्लॉग और आज की जो रेसिपीज मैंने आप लोग के साथ शेयर की है वो आप लोग को पसंद आए। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा आज का व्लॉग तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू ऑल।